आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मॉम डैड एंड बेबी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान केसर के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में। गर्भावस्था के दौरान कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिस कारण गर्भवती को कई तरह के मूड स्विमिंग होते हैं। कभी गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना, बिना किसी बात के रोने जैसा महसूस होना। ऐसे में केसर का सेवन करने से अवसाद दूर होता है, जिससे व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। इसलिए अगली बार अगर आपको लगे कि आप तनावग्रस्त हैं तो केसर युक्त चीज़ें जरूर खाएं, आपको अच्छा महसूस होगा। गर्भावस्था में महिला को उच्च रक्तचाप की समस्या रहती है, जबकि केसर में ऐसे गुण होते हैं जो उच्च रक्तचाप से राहत दिलाने में मदद करते हैं। आपको बता दें कि केसर में पोटेशियम और क्रोस्टेन होता है, जो रक्तचाप कम करने में मदद करता है। गर्भावस्था में ज़्यादातर महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की परेशानी होती है। सुबह उठते ही जी मिचलाना, उल्टी आना, सुस्ती महसूस होना जैसे कई समस्याएं बनी रहती है, तो इस समय आप केसर का सेवन कर सकती हैं, आपको मददगार साबित होगा। गर्भावस्था के दौरान जैसे जैसे शिशु का विकास होगा, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। ऐसे में पेट में ऐंठन, दर्द होना स्वाभाविक है। केसर में एंटी स्पैस्मोडिक गुण होता है, जो मांसपेशियों के लिए फायदेमंद होता है। ये ऐंठन से राहत दिलाएगा। गर्भावस्था में कुछ न कुछ खाने की इच्छा बनी रहती है। बेशक इन दौरान आपको ज़्यादा कैलोरी लेनी होती है, लेकिन साथ ही यह ध्यान रखने की जरूरत होती है कि कोई दिल संबंधी समस्या न खड़ी हो जाए। ऐसे में केसर आपकी मदद कर सकता है। केसर में क्रोस्टीन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर संतुलित रहता है और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। गर्भावस्था में ज़्यादातर महिलाओं को अनीमिया की शिकायत रहती है, इसलिए गर्भवती महिला को आयरन युक्त चीज़ों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। केसर में आयरन होता है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। हार्मोनल बदलाव के चलते गर्भावस्था में बाल झड़ने लगते हैं। माना जाता है कि केसर और मुलैठी को पीसकर उसमें दूध मिलाकर बनाए गए पेस्ट को बालों पर लगाने से बालों का गिरना कम हो जाता है। गर्भावस्था में नींद की समस्या से सभी महिलाएं परेशान रहती हैं। ऐसे में रात को सोते समय केसर वाला दूध पीने से आपको अच्छी नींद आएगी और आपको बेचैनी नहीं होगी और आप अच्छे से सो पाएंगे। गर्भावस्था में हार्मोनल बदलावों के चलते त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे पिंपल होना सामान्य है। ऐसे में केसर का इस्तेमाल इस समस्या से राहत दिलाने में मददगार है। गर्भावस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण एलर्जी और इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है। ऐसे में केसर आपको एलर्जी से बचाने में मदद करता है। केसर वाला दूध आपको एलर्जी से राहत दिलाने में मदद करता है। आयुर्वेद में कहा गया है केसर से शरीर का तापमान बढ़ाता है। जब आप गर्भावस्था में केसर का इस्तेमाल करती हैं तो इससे शरीर का तापमान बढ़ता है और अंदर शिशु हलचल करने लगता है। गर्भवती के लिए शिशु की हलचल को महसूस करना वाकई रोमांचक होता है। गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव के चलते दांतों संबंधी परेशानियां भी होती है। आप केसर को पीसकर उसका पाउडर बनाकर उसमें दांत और मसूड़ों पर मालिश कर सकती हैं। गर्भावस्था में केसर खाने के नुकसान क्या है? केसर प्राकृतिक औषधि है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जरूरत से ज़्यादा केसर का इस्तेमाल गर्भवती के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गर्भावस्था में केसर से गर्भाशय संकुचित हो सकता है, जिस कारण से गर्भपात का खतरा बन जाता है। जिस आयुर्वेद के विशेषज्ञों की माने तो केसर से शरीर का तापमान बढ़ता है और इससे गर्भपात हो सकता है, इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही केसर का इस्तेमाल करें। किसी किसी महिला को केसर का सेवन करने के बाद घबराहट होना, जी मिचलाना, मुंह सूखना व सिरदर्द जैसी समस्या होने लगती है। अगर ऐसा आपको भी होता है तो बेहतर होगा आप केसर का इस्तेमाल ना करें। कभी कभी गर्भावस्था में केसर का इस्तेमाल करने से उल्टी भी हो सकती है, अगर ऐसा है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इन दुष्प्रभाव के अलावा अगर आपको केसर खाने के बाद और कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मल या मूत्र में रक्त आना, पलकें, होंठ और नाक से रक्त स्राव, शरीर में सुन पड़ना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, चक्कर आना, शरीर में पीलापन, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। तो ये थे केसर के कुछ नुकसान जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, और हमने पहले इसी वीडियो में केसर के फायदे को भी बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।